जिला सड़क सुरक्षा समिति भागलपुर की ओर से बुधवार को समाहरणालय परिसर से सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 समारोह का उद्घाटन किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के जन जागरूकता रथ को सांसद अजय कुमार मंडल, जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साथ जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सांसद अजय मंडल ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिससे लोगों को इसके प्रति जागरूक कर ट्रैफिक नियम के बारे में जानकारी दी जाती है। सांसद ने कहा कि सभी लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करते हुए ही पैदल या वाहन चलाना चाहिए, जिससे सड़क दुर्घटना की घटना पर अंकुश लग सके। इसके अलावा उन्होंने शराबबंदी समेत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं को लेकर कहा कि जो भी व्यक्ति नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ संबंधित विभाग और पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए जागरूकता को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है और जन जागरूकता रथ के माध्यम से जिले के सभी प्रखंडों और शहरी क्षेत्र में लोगों को ट्रैफिक नियम की जानकारी दी जाएगी। DM ने कहा कि सड़क दुर्घटना में काफी संख्या में लोग घायल और मौत के शिकार हो जाते हैं और इस पर रोक लगाने के लिए सभी लोगों को जागरूक होना आवश्यक है। साथ ही कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार और अधिकारी के स्तर से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सभी को जागरूक होकर दूसरों को भी जागरूक करना होगा। सड़क सुरक्षा ये जनता के हित का है और सड़क सुरक्षा का जो नियम है लोग को मानना चाहिए और मानने के बाद लोग यकीनन घर से निकलने के बाद साइकिल होए हो, फोर व्हील हो या किसी भी गाड़ी से सफ़र करते हैं, अगर सड़क में सुरक्षा में ड्राइविंग लाइसेंस के नियमावली में अगर वो पालन करेंगे तो यकीनन दुर्घटना नहीं होगी और वो सुरक्षित, चाहे वो किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार जो है ठीक से जानकारी नहीं होती है उसके कारण ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो जाता है जिसके कारण किसी व्यक्ति को दिक्कत हो जाती है या कई बार उसके कारण बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है, तो उन सब के बारे में जागरूक करना है और हम लोगों का लगातार ये प्रयास है कि हम लोग इस तरह के कार्यक्रम को करते रहें और उसके कारण लोगों में जागरूकता है और जहाँ हम लोग वायलेशन देखते हैं वहाँ कार्रवाई भी होती है। तो लोगों से यही अपील है यथासंभव जितना हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो इस संबंध में जागरूक हो, जो ट्रैफिक के नियम हैं उनका पालन करें और अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि सबको जो है ट्रैफिक के रूल और रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। शराबबंदी वाले बिहार में आज भी धड़ल्ले से शराब मिल रहा है। शराब माफिया उस इलाके में शराब की खेप को पहुंचा रहे हैं जहां पर कई IAS और IPS का आवास या कार्यालय भी मौजूद होता है। ताज़ा मामला भागलपुर के शाकचक थाना क्षेत्र का है जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर CIAT पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ शराब माफिया को दबोच लिया। मामले को लेकर शाकचक थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि CIAT की टीम को शराब के खेप लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और ने छापेमारी के दौरान शराब के साथ रितेश नामक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इधर पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करेला स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा में बुधवार की देर रात्रि नकाबपोश बदमाशों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। दरअसल मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से महज 300 मीटर पर स्थित करेला चौक के समीप ग्रामीण बैंक की शाखा मौजूद है जहाँ बेखौफ अपराधियों ने लूट की योजना बनाकर बैंक का शटर काट दिया। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि तकरीबन रात्रि के 1 बजे बदमाशों ने बैंक का शटर काट कर ग्रिल को काटा और बैंक लूटने के लिए अंदर गए, लेकिन तभी उन लोगों की नींद खुल गई और बदमाश मौके से फरार हो गए। इधर सुबह होते ही जैसे लोग घरों से बाहर निकले तो देखा कि बैंक का मुख्य दरवाजे का शटर कटा हुआ है और ग्रिल भी खुला हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि बैंक के अंदर झांक कर देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त था, जिसके बाद इसकी सूचना दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक करेला शाखा के बैंक प्रबंधक मनीष कुमार को सूचना दी गई। वहीं इसके बाद बैंक प्रबंधक और कर्मचारी बैंक पहुंचे और कागजातों के साथ बैंक के सारे सामान और कैश का मिलान किया गया। इधर बैंक के शाखा प्रबंधक मनीष कुमार ने बताया कि अब तक की जांच में सभी सामान और कैश सुरक्षित है। मैं मनीष कुमार दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक करेला शाखा का शाखा प्रबंधक हूँ। रात में हम लोगों को सूचना मिली कि शाखा में शटर एक तरीके से टूटा हुआ पाया गया जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हम लोग जब आए हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का नगद का क्षति नहीं पाया गया है। सारा कंप्यूटर, सारा यहाँ पर जितना SFF है वो सारा कुछ सुरक्षित पाया गया है। किसी भी तरह का कोई भी लॉस यहाँ पर हम लोगों को नहीं नज़र आया है। जो भी
प्रथम दृष्टिया में, और फाइनली हम लोग का कैश भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। तेज बर्फीली हवाओं और कनकनी वाली ठंड का असर भागलपुर के शमशान पर भी साफ दिखाई दे रहा है। भागलपुर के बरारी गंगा किनारे स्थित शमशान घाट पर इन दिनों दाह संस्कार के लिए आने वाले शवों की तादाद में काफी वृद्धि देखी जा रही है, जिसके कारण दाह संस्कार के लिए शमशान घाट पर जगह की कमी हो गई है। शमशान घाट शव लेकर आने वाले अधिकतर लोगों का कहना है कि बढ़ते ठंड की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, जबकि अपनों को हो चुके घर वालों और परिजनों के चेहरे पर दिखने वाली मायूसी से उनके दुख का भी अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। वहीं बरारी शमशान घाट में शवों की संख्या अधिक होने के कारण परिजन अंतिम संस्कार के लिए परेशान दिख रहे हैं, जबकि वहां मौजूद विद्युत शवदाह गृह में भी एक बार में एक शव का ही अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था है और इसके कारण भी लोगों को घंटों इंतजार करना मजबूरी बन गई है। वहीं विद्युत शवदाह गृह के संचालक राहुल राय का कहना है कि स्मार्ट सिटी के रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य की वजह से शमशान घाट पर शव जलाने की जगह छूटी पड़ गई है, जबकि फिलहाल ना तो स्मार्ट सिटी के रिवर फ्रंट का काम चल रहा है और ना ही नए विद्युत शवदाह गृह निर्माण का काम कराया जा रहा है, जिससे अधिक लोगों को लकड़ी से ही शव का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। साथ ही कहा कि मेंटेनेंस की वजह से विद्युत शवदाह गृह को कई बार बंद करना पड़ता है। जब से स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ है ना, तो आधे घाट को कवर कर लिया गया है। बहुत थोड़े से जगह में जो है लाश को जलाना पड़ता है, ठंड आने की वजह से जो है बाहर से लाश जाना आना ज्यादा हो गया है, इस वजह से परेशानी हो रही है। और आपका विद्युत शवदाह जो है, विद्युत शवदाह सर आज बंद किए हुए, कारण वो मेंटेनेंस की वजह से अंदर का जो है ना वो डॉकयार्ड का पाइप फट गया है। हाँ। जो धुआं पूरा अंदर हॉल में ही गुंज जाता है। कितना सीट है, एक ही है या और है? नहीं, एक ही सीट है सर। मतलब इसमें और भी बनने की बात आई थी? अभी तो हम लोग को सुनने में आया था, लेकिन अभी तो धरातल पे उतरते हुए नहीं देख रहे हम लोग। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड फतेहपुर पंचायत स्थित पंचायत सरकार भवन मैदान में मुख्यमंत्री आगमन को लेकर प्रशासन आपके द्वार ग्राम विकास शिविर के तहत जिले की सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी में जनता की शिकायत सुनकर मामलों का निपटारा किया गया। बता दें कि इस क्षेत्र के सभी व्यक्ति अपने समस्या से संबंधित पदाधिकारी से मिलकर मामलों का निपटारा करवा सकते हैं। साथ ही इसकी सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी लगाया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को बताकर संबंधित काउंटर पर जा सके।
ये बांका जिला का अमरपुर प्रखंड का फतेहपुर पंचायत का ये पंचायत सरकार भवन का मैदान है, जहां की आज जिले के लगभग पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और 30 काउंटर लगाया गया है ताकि जनता की परेशानी को सुना जा सके और उसका निपटारा किया जा सके। जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और लोगों की समस्या सुन रहे हैं और उसका तुरंत निपटारा भी कर रहे हैं। अमरपुर से ओम प्रकाश आलोक की रिपोर्ट। भागलपुर के भिकनपुर स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को पार्टी के राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुधीर शर्मा, भाकपा जिला सचिव बालेश्वर गुप्ता, सीताराम राय सहित कई कम्युनिस्ट नेताओं ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नेताओं ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों के कारण भारत का संविधान, लोकतंत्र का लोकतांत्रिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, रोजगार, कृषि, सार्वजनिक उद्योग एवं संपदा पर खतरे का बादल मंडरा रहा है। सुधीर शर्मा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई चरम पर पहुंच गई है और आम लोगों के लिए दाल रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है, जबकि इन समस्याओं के विरुद्ध बोलने वालों की आवाज झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजकर बंद कर दी जाती है। साथ ही भाजपा सरकार और RSS से देश और समाज को खतरा बताया। जिला सचिव ने बताया कि आगामी 27 मार्च को नवगछिया अनुमंडल कार्यालय और 29 मार्च को भागलपुर जिला समाहरणालय पर पार्टी की ओर से जन सत्याग्रह किया जाएगा। नरेंद्र मोदी वाली मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों के कारण भारत का संविधान, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, रोजगार, कृषि, सार्वजनिक उद्योग एवं संपदा पर खतरा का बादल मंडरा रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम लोगों के लिए दाल रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केंद्र सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाएगी और आगामी 27 मार्च 2023 को नवगछिया अनुमंडल कार्यालय पर और 29 मार्च 2023 को भागलपुर जिला कार्यालय पर जन सत्याग्रह करेगी। भागलपुर मां शाकंभरी परिवार की ओर से वार्षिक जयंती उत्सव का आयोजन खाटू श्याम मंदिर में शुक्रवार को किया जाएगा। इसको लेकर मां शाकंभरी परिवार आयोजन समिति के अध्यक्ष वद्री प्रसाद छापोलिका ने बताया कि कार्यक्रम में भागलपुर समेत कई राज्य से कलाकार हिस्सा लेंगे, जो अपनी कला के माध्यम से कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। वहीं महासचिव ने बताया कि मंगल पाठ, दिव्य ज्योत पूजन, चुनरी उत्सव और भजन कार्यक्रम के साथ कई प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा और ये हमारा अष्टम वार्षिकोत्सव है। इसमें भजन संध्या का भी आयोजन है और 2 बजे से हम लोग श्याम भक्त मंडल श्याम मंदिर में प्रथम तल में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत ही हमारे सभी मेंबरों में काफ़ी उत्साह है और पूरा शहर उत्साहित है इसके लिए और काफ़ी संख्या में लोग जुटेंगे और जुट के माता का श्रृंगार होगा, माता की भक्ति होगी, माता के भजन होंगे और हम लोग सबको इसका आनंद मिलेगा।